देख लो छुई मुई का पेड़ा ऐसा है, यदि इसका हाथ लगा दे तो यानी कि मुरझा जाए है, 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाए है। क्यों देखो भाई यो यो है लाड प्यार बाबू बेटे की दोस्ती। राम राम जी, नए व्लॉग में आपका स्वागत है एक बार फिर से रितु एंड एज ए व्लॉग्स में। और भाई बताई थी आपती जैसे कुरुक्षेत्र का हमारा टूर है वो भी आपने देखा, यानी कि वीडियो है वो आपने देखी होंगी। तो फिलहाल एक अनोखा घर आपको दिखाएंगे, पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा मकान नहीं है जिस, जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, जो आउटपुट इनपुट जो हमने कलेक्ट की हैं, जो भाई साहब से हमने बंटी भाई से बातचीत की थी, यानी कि हरियाणा तो दूर की बात, नॉर्थ इंडिया में ऐसा मकान नहीं, ऐसा मकान हम दिखाएंगे। क्यों जी रितु जी? हाँ जी बिल्कुल, हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल, रितु जी ने भी जींस टॉप पहली बार पहना है? नहीं दूसरी बार पहना है। दूसरी बार पहना है, पहले भी पहना था हमने शादी तो पहले। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। चलो, और मौसम हो रहा भाई बिल्कुल कोल्हापुर जैसा, शिमला जैसा मौसम देख लो। पहले तो कई दिनों हो रहे हैं, हम शिमला जाने की सोच रहे थे लेकिन शिमला जाने की जरूरत नहीं है, मौसम ऐसा रह गया तो, है ना? हाँ जी, मौसम भी, और देखो इन्हें कितना कितना बढ़िया गार्डन बना रखा है, छोटा सा ना घर के अंदर ही, मतलब आप अगर बनाओगे ना, जो नया घर बनाओगे वैसे अपना भी है ही, फिर उनमें डांगर है ना, तो इसमें हम गार्डन नहीं बना सकते, वो खराब कर देंगे डांगर सारे गार्डन ने। एरिया तो अपना भी बहुत है, फिर भी बहुत बहुत बढ़िया लगे ऐसा गार्डन, है ना? अच्छा चलो भाई, एक बार तो हम आपको हाउस टूर दिखा देते हैं एक बार, और मिलवाएंगे जो परिवार के सदस्य हैं, पहले गार्डन गार्डन भी दिखाएंगे। तो भाई यो तो है पार्क जो बंटी भाई ने बना रखा है, देखो अलग अलग से हर चीज, मान लीजिए छोटा सा गेट भी लकड़ी का गेट बना रखा है यहाँ पर लगता है। तो छुई मुई का पेड़ा कहाँ से है भाई साहब? छुई मुई का पेड़ा भाई, आ जाओ इस लाइन में रखा है। ले भाई, आपने पार्क में पहली बार नाम सुना होगा बस, छुई मुई का पेड़ा है। अच्छा एक मिनट जो भाई, स्पेशल था थोड़ी मुई का पेड़ा दिखाएंगे भाई। राइट हैंड में यहाँ देखो देखो किकर के साथ यो। अच्छा थोड़ी मुई का नुका कर दे हाथ लांदे उस गुड़ जे करया। बिल्कुल आओ, उंगली लगाओ और हाथ लगाओ, पत्ते में किसे लगाओ, लाइए एक भाई रितु एक मिनट, ये इसका लगा, टच टच होने दे, छोड़ दे, ओ सिकुड़ गया तो भाई, सिकुड़ लग रही। यानी कि भाई देख लो छुई मुई का पेड़ा, यानी जी और एक एक मिनट एक मिनट, इबे नहीं प्रॉपर दिखाएंगे भाई आपको, यानी कि छुई मुई का पेड़ा नु सुनिया मैंने भाई, हाथ ला दो तो सूख जे हो। एक बार देख, एक मिनट रुक जा, क्लियर क्लियर दिखाने दे एक बार, ए गिल्ले सुकड़ गया भाई, छोटी गई यहाँ इसके, खराब तो नहीं हो जाए पेड़ है, टनी का हाथ लगा दे, लगा दिया थोड़ी नीचे का, छोड़ दो। देख लो भाई, सुनी सुनी थी हमने भाई, छुई ना सारी टहनी ना खराब करा, खराब हो जाए, 10 मिनट ठीक हो जाए, 10 मिनट में अपना आप ठीक हो जाए। तो भाई देख लो छुई मुई का पेड़ा ऐसा है, यदि इसका हाथ लगा दे तो यानी कि मुरझा जाए है, 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाए। क्यों जी रितु जी, कैसा लग गया पहली बार देखे आपने सुई मुई का पेड़ा? मतलब रियल में तो पहली बार देखा, सुनी सुनी थी। हाँ जी देखा भी था। सारी टनिया ना करे वेरी खराब। चलो चलो भाई, तो देख लो भाई ना जो पार्क है वो भी शानदार तरीके से जो जचा रखा है। क्यों जी? हाँ जी, इमली का पेड़। क्या है यो? इमली का पेड़। अच्छा, इमली खाई तो बतेरी होंगी, फिर पेड़ पहली बार देखा इमली का। चलो भाई, यानी कि इमली का पेड़, ये भाई ने स्पेशल यहाँ पर इमली का पेड़ है जो वो तैयार कर रखा है। और ये क्या के पेड़ भाई, केड़े के? ये फूलों के हैं, और जो आपके सामने छोटा पेड़ खड़ा है ना बिल्कुल, हाँ जो पत्ते नहीं है, हाँ ये बब्बू बस है भाई, ये बब्बू बस नागफल खा कर बब्बू बस हुआ है, वनस्पति की तरह दिखा कर, कौन सा ये वाला जो लंबा चल रहा भाई, ये वनस्पति का है वो बब्बू बस का, यानी कि अनोखे अनोखे जो पेड़ पौधे हैं भाई ने, वो आपके सामने जो लीची है, ये लीची है भाई, और वो जो परिणार है वो है आड़ू का, आड़ू का, और राइट हैंड में ये चीकू का, ये चीकू का भाई, वाह भाई वाह शानदार। हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा, हाँ सेब का पेड़ लगा दिया 4 साल में हो जाएगा। कौन सा? वो छोटा देखो, ये तो नीचे, ये नीचे वाला, ये ले भाई, भाई ने सेब का पेड़ भी बना दिया भाई, सात से मिला रहे हैं। ये क्या है? फिर लगे ये मिर्ची है। कौन सी? ये मिर्ची है, हम लगाए तो देखे तो है। अच्छा अच्छा, ये मेरे से भाई, वो बताओ थे मिर्ची है, ये बेल जो देसी खीरे की, देसी खीरा।
चलो आ जाओ। उससे आगे जो बड़ा पेड़ दिख रहा है वो कड़ी पत्ता है। वो कड़ी पत्ता। ये बास। ये बास। सारी मतलब सारी क्वालिटी बंटी भाई, सारी क्वालिटी लगा रखी है आपने है जी। देसी हल्दी कौन सा है? ये वाह भाई, ये भाई हल्दी है भाई, देख लो। और ये पत्ते सूखेंगे क्या इनका? लागे गैठ सी नीचे तो निकलेगी हल्दी है। वाह भाई वाह। हाँ और एक जो बीच में ज्वार के साथ खड़ा है ना वो। हाँ हाँ, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। लावा बंटी भाई आ गया पहले तो भाई राम, बंटी भाई राम राम भाई, सारे भाई राम राम और स्वागत है दोनों का भाई। बिल्कुल जी, और जो आज हमसे मिलने आए जी, ये है लेमन ग्रास, जिसको अगर चाय में डाल के मतलब जो ग्रीन टी जो होती है ना, जो इसके पत्ते को तोड़ो और ऋतु जी खा के देखो और फिर बताओ। जी ऋतु जी खाओ आप एक बार। और खाने खातर तो खा के देखो क्या टेस्ट लगा। नींबू जैसा लगा। नींबू जैसे लग गया है, सही लग गया। फिर नू मुंह बुंडा मुंह क्या करे। जी जी आजा बंटी भाई, ये आजा रितु। ये है जो एक पत्ते का टेस्ट आप सूंघे देखो, पुरानी खुशबू आती है इनको। लेडीज ज्यादा आती है, लेडीज ज्यादा आती है। नाइस तगड़ी मन्ने आ गया आया कर। ये जवानी का इसको हम चटनी में इस्तेमाल करते हैं। इसका तो रहता कि मैं जड़े जाओ चाहे दूध भी इधर आ गया, तेरा गैस पर जड़े जाओ मन्ने ने बताना पड़ा दूध जल गया। ये घर के भीतर सारी घर के भीतर ये जवानी का इसमें ये सब सो गए अलग से। देखो भाई, भाई ने इतना बढ़िया तरीके से जो पार्क तैयार कर रखा है, कुछ तो मतलब मान ले सोकिया तौर पर फूल है पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्यादातर 80% जो पेड़ पौधे जो यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं उनका उद्देश्य है कि उनसे फल प्राप्त किया जाए या जो भी सब्जियां हो प्राप्त की जाए। ये होगा ना फल। देखो पता है क्या, मैंने हाँ। जो यहाँ पर पेड़ लगाने का मकसद था प्रकृति से, या फल तो लेने ही लेने हैं, इनसे ऑक्सीजन भी लेनी है, ऑक्सीजन। और हमारा जो टेम्परेचर है जमीन का यही कंट्रोल कर, तो इसे दोनों तीन हफ्ते के फायदे में हम मिल जाते हैं। उसे आज कुछ जड़ी बूटियाँ भी लगा रखी हैं, छोटी मोटी अभी शुरू नहीं हुई, काम कर रहे हैं। बाकी अपनी सब्जी थोड़ी बहुत कर सकते हैं लगा लेते हैं। बाकी ये सारे एलोवेरा भी लगा रखे हैं, कोई भी आपने देख लिया, कोई मुझे दिखा दिया भाई आपको। अंगूर की बेल भी आ गई भाई, हमारी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, शिमला के साथ हो रहा है, तो हमने सोचा कि अंगूर की बेल लेते हैं। अंगूर की बेल अमेरिका ला गई है, एक दो दिन में लगा दी जाएंगी। उसमें काला अंगूर और हरा अंगूर दोनों अंगूर होंगे। ये अपना टोटल जो कैगज में आएगा ये हमारा जो एरिया लगभग 510 गज का है। मकान मकान बन रही है, कैगज मकान बन रहा है हमारा लगभग 1000। तो भाई देख लो, पहले तो मैं अपना मकान दिखाऊँ रितु जी, दिखा दे एक बार भाई। मकान केवल लोह के जो पिलर हैं, लोह के पाइप हैं, केवल इन इन के ऊपर टिक रहे हैं। एक बार दिखा दे भाई, हमारे देख तो भाई जो मकान है स्पेशल है इनके ऊपर टिक रहा है भाई। तो ये लोह के पाइप है, एंगल है, इन इन के ऊपर लगा रहा है पूरा का पूरा मकान। और ऐसे ऐसे मकान है यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एकमात्र पहला ऐसा मकान है जो मान लिया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ में बनाया गया है, यानी कि सुनी सुनी थी मैंने। तो ये तरीके क्या है बना रहा है ये भाई? ये एक बैठक बनाई हमने, इसकी एक कहानी है। ठीक है, जब ये मकान बन रहा था तो हाँ। मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी दोनों आ गए हाँ। तो आया तो मेरे फूफा जी बाहर खड़े हुए, मैं बोला फूफा जी मकान तो देख लो हाँ। क्या देख लो, तुम दो ऊपर रहोगे छोटे ठहरे की तरह। तो ये कमरा मैंने तुरंत जल्दी बनवाया था, इसमें अपने बैठक के लिए जो भी बड़ा बुढ़ा है वो नीचे आराम से बैठ सके और बतला सके सारे काम। चलो भाई देखो भाई, और रितु जी कैसा लग रहा है मकान आपको? मेरे पास दो चीज राष्ट्रीय है, एक तो हमारे राष्ट्रपुत्र राजस्थान से आया जिसने धन्यवाद, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को बना के गया कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा मकान बनाया आपने प्रकृति के नजदीक, तो आपने फ्री बना के। बहुत बढ़िया भाई, भगत सिंह के बारे में लोगों ने कहा जिस टाइम पे देश आजाद करवा हुआ था भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह
तो पागल है, तन तो पागल कहने लगे सब। नोला बेला भाई मेरे शरीर पर जितने भी हैं जखमनी जखमनी ये फूलों के गुच्छे हैं और हम पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। हाँ, कोई भी काम करना पड़े नहीं भाई तो पागल बनना पड़े। तो सुनो पागल लोग तो इतिहास रचा कर रहे हैं, समझदार इतिहास ने पढ़िया करे। सही बात है, सही बात है। आज भाई ऊपर चले, ऊपर का दिखा दे। चलो ऊपर आ जाओ रितु जी। हाँ जी, भाई है भाई सारे मिलवा। जिंदगी है नी। हाँ देख ले भाई, बोली नु मेरे वर्गी। और भाभी ठीक से हो? आप कौन से गांव की हो? मैं खरड़। खरड़ जज्जर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, आज की जो पत्रकारिता की अहम भूमिका जो जिम्मेदारी है, हम आज से जिम्मेदारी इसको दे रहे हैं हम लोग। आप बताओ करो भाई, सुनो घर के बारे में भी पानी गिरी जा रही है, ये बता रहे हैं। आप बताओ मेरे की है, बताओ। हां बताओ आप। हां जी, हम भैया के घर पे आए हैं आज। मतलब ये आप बता रहे थे कि इसमें कोई भी सीमेंट रेती रोड़ी कुछ भी नहीं लग रहा, तो मेरा भी देखने का मन कर रहा था कि मैं भी चालूंगी इसे घर में। फोटो में तो देखा था। यानी कि मकान की सबसे खास बड़ी बात भाई आपने बता दिया, रेती रोड़ी सीमेंट बजरी मतलब ईंट किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करा। क्या कर देता हम सोचो, फिर वो लोग कमेंट करोगे क्यों मजाक कर रहा है, मकान मालिक बंटी मार दो रखड़ा है। बंटी बता दे भाई कोई सी चीज लगा रहा है? कुछ नहीं लगा रहा, कुछ नहीं लगा रखा भाई। पैसा लगा रखा है? पैसा तो लगा रखा होगा। पैसा क्यों लगा रखा? पैसा क्यों लगा रखा बताओ तू। हाँ जो मकान तुम रोड कंक्रीट कर मकान बनाओ, हाँ वे 30-40 साल बाद तोड़ोगे उनमें नहीं रहता कुछ भी, बस भी लगा। मारा टूटा था, मारे पैसे उल्टे हैं तो मालिया का एफडी है, मारा तो कुछ नहीं लग रहा भाई। ये तो मालो पार करने बहुत अच्छी बात है। यानी कि भाई फ्री जैसा मकान, फ्री जैसा मकान आपने दे। बंटी कितना संतुष्ट हो रहा है, 28-30 लाख रुपए ला रहे हैं। अरे 28-30 लाख रुपए लगा रहे हो बंटी और फिर भी आप खुश हो रहे हो? बस कैसे लग रहे हैं? लग के नहीं रहा भाई, माल तो बचा गया, तो बकड़ी कमाई कर रहा है। सुनो मारे बड़ी बुड्ढी दादी के घर थी टोकनी में दर का यार हो दिया करती, तुम ठेकरी पैसे दे दिया कि दाम नहीं दे माटी में, वो तो बह रहे। 20-30 साल 50 साल बाद 100 साल बाद से किसी ने मिल जाएगा करता, तो 40-50 साल बाद से बाहर का मिल जाएगा। बिल्कुल भाई, यानी कि या तो तुम दाम दी, ये 100 साल बाद भी तुम लकड़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। दिखा दे भाई एक बार, दो भाई ना अलग से देखो। एक अनोखा मकान, तो यानी यूं कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा मकान नहीं है जो जिसमें किसी भी चीज का यूज नहीं हो रहा, यानी कि रेती रोड़ी ज्यादातर आम जो सामान्य घर हुआ है। हालांकि कुछ चीजों का तो जो मटेरियल है उसका तो यूज हो ही रहा है, लेकिन जो सामान्य मकान बना हुआ हावरा की तरह है भाई मान ले वो नहीं हो रहा है। इसमें दिखा दे एक बार सारे का सारा भाई। और भगत सिंह तो भाई, भाई वो भगत क्रांतिकारी भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह मैत्री संघ बना रखे हमने, उसका मैं जिला सॉरी वाइस प्रेसिडेंट उसका मैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। और जितने भी आपको बताऊंगा भाई मैं, जितने भी अपने क्रांतिकारी रहे हैं चित्र के साथ में चित्र का अनुसरण करना चाहिए आपने। उन्हें चित्र क्या था, क्योंकि कई साथी कह रहे हैं चित्र में देख कर हाथ जोड़ ले हैं लेकिन चित्र पर चलते नहीं। हालांकि क्या चित्र आगे बेस हाथ ना जोड़ो, चित्र पर चलो हाथ जोड़ो। एक बंटी दलाल जी मेरा नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल ये मेरे को मिला था। प्रेरणा समिति हरियाणा, हाँ ये मिला था मेरे को। मैंने जो प्रकृति के लिए मैंने लगभग 2300 पेड़ आज तक लगाए हैं अपने आप में, जो मैंने हालांकि मैं काउंटिंग पूरी नहीं होगी, हो सकता मैं कम ऊपर नीचे भी हूँ, लेकिन लगभग 2300 के आसपास मैंने पेड़ लगाए, तो इसलिए मेरे को कई संस्थानों पहले भी सम्मानित किया मेरे को। और उसमें से एक सामान मेरे पास यहाँ पर जो यहाँ पर अपने पास अपने बेडरूम में। बहुत बढ़िया भाई, दिल का बहुत बढ़िया भाई, मिलनसार है जुगर अनु को। नहीं कई जने तो आग्रह और कहा हुआ है अनौपचारिकता ही निभा हुआ है, लेकिन भाई मिलनसार है भाई। वो आग्रह मैं बताऊंगा, वो यार क्रिकेट गेल ने देखा क्रिकेट रंग बदला अगला जियो जी सब मिला हुआ हो ये रसोई है भाई इनके भाई गिलास गुलास कटोरी तक दिख नहीं रिल को रही है। अच्छा एक बात और बताइए भाई, हाँ। तो मतलब खड़े हैं तो रोशनी कितनी नजर आती हुई इस घर में? रोशनी बढ़िया भाई,
लेकिन एक भी लाइट नहीं चल रही। अच्छा आज बादल छा रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, सूरज बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर भी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये बिल्कुल। यह बात देखो भाई स्पेशली, यानी क्या बात, खास बात है भाई साहब की, चारों कमरे में किसी को मत ले जाओ। मान ले बच्चा भी जो होगा तो बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, दिन में भी मान ले आप देख सको यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं है। तो भाई स्पेशली कुरुक्षेत्र आ रहे थे मिलने ताई लोग भाई। और रितु जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आज हम यहाँ पे आए हैं, मतलब यो घर देखा कर दे, तो मैंने आ रही है जी तक कि मैं भी चलूंगी ऐसा घर देखण, मतलब जो वो पाइप सी ने उनके ऊपर टिका हुआ है। हाँ। तो मतलब डर सा भी लग गया, पहली बार से घर में आ रहे हैं। डर क्यों, खुश होना चाहिए ताई, बताइए डर लग गया है? खुश होना चाहिए, शुरू शुरू में तो ताई ने भी डर लग गया था। मेरी माँ भाई आई दो घंटे नीचे खड़ी रही, मैंने चढ़ ऊपर पड़ जाएगा ताई तने नाटक होना नुआ आलण माल दा कमरा बोल तो हालत था। हां क्या नाम भाई आपका? माइकल नाम है भाई मेरा। माइकल जैक्सन? माइकल डांडा। माइकल डांडा, वाह भाई वाह। चलो माइकल का नाम सुना, जैक्सन का या भाई का डंडा सुना है। आपने क्या नाम भाई? प्रशांत। प्रशांत भाई बंटी का लड़का है, दोनों बाबू छोटा बेटा है, दोनों बाबू बेटे की शक्ल मिले हैं। क्या बेटे आप? अच्छा इससे बड़ा भी है? इससे बड़ा है, वो दो साल बड़ा है। आपकी उम्र कितनी होगी? मैं थोड़ी हुई मैं तो मैं बताऊं 35 साल के बाद ना मेरी उम्र घटने लगी, घटने लगी। हां सुकमान की मैं 30 का हो गया, 30 का हो गया। हां ना बढ़िया उम्र घटने लगी। क्या बेटे आप? दो बेटे हैं? मेरे दो बेटे हैं, उम्र घट रहे हैं। तो बताओ भाई मैं प्रकृति के नजदीक रहा हूं, खुश रहता हूं हमेशा, बच्चों के साथ फैमिली को टाइम देते हैं, इसलिए हम आज अच्छे मतलब खुश भी हैं और सेहत भी अच्छे हैं। और भाई तुम भी नहीं बने रही हो। और भाई एक बात और बताता हूँ कि हमारा जो कल्चर ना रहने कल्चर भाई इसने बचा के रखो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भाई। इसने मत छोड़ियो, बस इसका पेंडा मत छोड़ियो, इसी तो इन्हें धप्पी पर। देखो भाई यो है लाड प्यार बाबू बेटे की दोस्ती। मैं चाहे कितना मोटा ना अपने दिखता हूँ, मैं बिल्कुल देसी हूँ भाई, चूल्हे की रोटी दोनों टाइम खावा, चूल्हे पर रोटी बनावा, आरे पे दूध दरदा वो पीवा, ठीक है। हालांकि हमारी मार नहीं कर पाई क्योंकि हम शहर में रहा करते उस टाइम, फिर मैं सोची ना उल्टे काम में चलेंगे, और आज वो जीवन जी रहे। ताई बेशक नहीं कर पाई हो, लेकिन ताई नरा टिंडी की खाओ दिखे। ताई देख ले है, देख लो भाभी जी आप क्या कहना चाहोगे? आप भी जितने भाई साहब देसी है, आर का दूध पियो है, आर का दूध आप ही पहनते हो फिर? हाँ। लस्सी भी घर की बनाते हैं। चलो भाई इसने तो ना चूल्हे पे अगर रोटी ना बनाई थी। हाँ। पर भाई इसकी हिम्मत है, सीखी भी सारी सीखी है। कितने साल हो गए शादी को आपके? हमारे 20 साल। खुश हैं आप? बढ़िया, बहुत खुश है। देख ले भाई 20 साल का लाड प्यार, लो मेरी दिखे इनकी बेचारा भाई। अपनी मर्जी है भाई, मारे दो चैनल भाई, मारे दो चैनल है, ए बी के व्लॉग चैनल, अनीता बंटी के व्लॉग, उसमें हम अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। और दूसरा हमारा चैनल है वी आर हरियाणवी, वी आर हरियाणवी में हमारे जो ताई दादी जो गीत गाया करती, जो ब्याह के गीत गाया करते, और जो भी हर त्योहार पे जो भी गीत गाया करते, वो हमने उसमें संजोग रख रखे हैं। हम लोकल गाँव में जावा हाँ, ताई ढूंढा हाँ, बुढ़िया ढूंढा उन तक गवा हाँ, उनकी भी हिम्मत है भाई। बिल्कुल, मैंने तो एक देखी 90 साल की ऐसे छुड़ताल बैठा दे कसुत्ता भाई, तो वी आर हरियाणा हमारा राम कटोरी, राम कटोरी, राम कटोरी भाई। देखो लंबी उम्र दे भाई, के जो दोनों चैनल है इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक बार विजिट जरूर करें। तो रितु जी कैसा लगा पूरे परिवार से मिलकर? आपकी जो इच्छा थी चलो कुरुक्षेत्र से आपका जो सारे की खुशी है, लड्डू फूट रहे हैं आप। चलो आप बता दो भाई साहब कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा, और वो उन्होंने भीतर भी बताई थी बात, क्रिकेट ने देखा क्रिकेट रंग बदला, तो भाई जी से थे उसमें हो गया सीरियस आ जाए तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये अच्छे भाई, बढ़िया, इनका प्यार बना रहे और
और आगे भी जन्मों जन्मों का साथ बना रहे। और भाई इनके चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो धड़ाधड़ शेयर कर दियो, धड़ाधड़ शेयर कर दियो भाई, दुनिया तक पहुंचा दियो भाई। देखो मेरे कैसा मकान बनाइयो ना बनाइयो, मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो चाहूँ ना बनाए, मेरा नाम रह जा बंटी की बिंदास नाम तो भाई, भगवान कर रहे हो मकान मेरे नाम तो पेटेंट हो जा, ठीक है। लेकिन भाई प्रकृति को बचाना और किसी ना किसी तरीके पानी बचाओ, वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में लगाओ। यानी कि देखो भाई छोटा मकान की वजह से बंटी आज आपका पूरा नाम हो गया। हाँ बिल्कुल, यूनिक काम कर किसी का क्या है की वजह तो नाम हो, किसी का क्या है आपका मकान। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरा नाम हो गया। और भाई इतने बड़े बड़े जो मेरे घर करोड़पति भाई बड़े करोड़पति खींच के ले रहा मीटर ने, और मीटर ने तंबी चालन दो और आप हरियाणा का भाई अपना कुछ कमाओ बढ़िया बात। बिल्कुल भाई, और भाई धुमा उठा दो, और भाई खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जहाँ भी रहो हंसते रहो, मस्त रहो, राम राम नमस्ते सारे भाई। चलो भाई बाय, ने एंडिंग व्लॉग की खुद ही कर दी है तो ठीक है, अच्छा तुम भी करो थोड़ी तुम भी करो, हमारी तो हो गई आज। चलो तो भाई आज के टाइम पर देखो जो परिवार इतना हंसी खुशी रव है, हंसी मजाक में रव है, तो क्योंकि आज का जो टाइम हो ना ज्यादातर लोग न सोचे भाई हम तनावपूर्ण रहो, हाँ तनाव में रहो, हाँ मतलब काम में बिजी रहो है, लेकिन ऐसा परिवार जो मिले हमारे परिवार की तरह आपने देख लिया होगा कमेंट में, आपने देखे करते जाओ कि नाइस फैमिली, तो भाई हमने भी हमारे परिवार जैसा परिवार जो मिला है अच्छा लगा इनसे सभी से मिलकर के। तो व्लॉग में आपने पूरी जो वीडियो देखी है, इनके जो विचार है, हंसी मजाक है, पूरा अपना मकान भी देखा है, कमेंट जरूर करें कि आपको ये हाउस टूर कैसा लगा और ये परिवार कैसा लगा, पूरी फैमिली से मिले, ताई से मिलकर कैसा लगा। ताई जी आज देखो भाई ठीक है ताई भाई, एक डायलॉग ताई नु कहते चैनल सब्सक्राइब कर दियो यह चीज मेरी बात कहने में यह ताई अटका है। तो भाई वीडियो देख ली है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राम, राम।